किसका? तो बेटा इसको धूप में रखना पड़ेगा, इसको रहने दे, इसको कल धूप में रखेंगे। एक मिनट पहनना, टकलू के स्टड आ चुके हैं, टकलू के स्टड। मैं टोपी पहन के जाना है, टोपी महान। तोड़ मत देना इसको टकलू ओपी। लो बांधो, बांधो के बेटा, बांधो तो पूरा आ जाते हैं। क्यों नहीं आएंगे पूरे? सॉक्स लगाना इसके साथ, आ जाएंगे। सॉक्स तेरे आगे, सोनी के आगे, अब मेरे बचे क्या? शूज। स्टड आगे? स्टड थोड़ी है यार। शूज सोनी के आगे? सोनी को मैंने दे नहीं दिया अपने वाले। कौन से? जो मंगाए थे, उसके लेस भी ठीक करके करने पड़ेंगे। सॉक्स के साथ लगाना, पड़ता पुड़ता है नहीं है। स्टड मिल तो गए मुझे आगे, अब क्या लेना देना। देख लो भाई, इसी स्टड के बारे में मैं बता रही थी आप लोगों को। पागल हुआ वाला लड़का। तीन नंबर लाएंगे पापा। अच्छा अच्छा रख दे अभी। एक मिनट बांध दो दोनों को। अभी रख देना दोनों को, बांध दो। वो तो ईमान किसको? हेलो मैम, किसको? स्कूल वालों को पता है कि ये करना पेरेंट्स नहीं है, हैं ये बड़े करेंगे। बच्चों सोचता है, बच्चों को पता ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है। फोटो खींच के बस खड़े करते रहे वहाँ पे। शी लाइक मामा। तो शूज में ही रह गुसावा, शर्म काम तेरा। मुंह तोड़ ना तेरा, सही लाने वाला ऐसे ही वो। तो जी ये हो रहा है यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क, और यहाँ बन रहे हैं गणेश जी का सिंहासन। एक्चुअली जो है ये हंसी का है आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क, तो इसने कंप्लीट नहीं किया था, तो मैं और सोनी मिलके कर रहे थे, और आधा सोनी ने बना दिया था, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो ये बनाएंगे हम और इनको मंदिर में सजा देंगे। पहले इसकी फ़ोटो जो है ये भेजनी है इसकी मैम को। और बच्चों का ऐसा है कि बच्चे खुद तो बना ही नहीं पाते ना, ये हम लोगों को हेल्प करनी ही पड़ती है। तो बस यहाँ जो है मेरे गणेश जी हो गए हैं तैयार। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं सिंहासन पर बैठे हुए। अगर आपको भी अच्छे लगे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और गणेश जी के लिए सही लाइक और शेयर जरूर कर देना भाई, और वीडियो को पूरा देख लेना। तो ये हमारे प्यारे से गुरु बाबा जी, और अच्छा लगता है वैसे बच्चों के साथ थोड़ा सा बच्चों का यहाँ ये है जी सुबह का टाइम, और यहाँ मैं कर रही हूँ, यहाँ बना रही हूँ भिंडी। तो भिंडी अगर आप ऐसे बनाते हो ना, ऐसे बड़ी बड़ी काट के, तो वो बहुत अच्छी भी बनती है और जल्दी भी बनती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है इससे। और यहाँ जो है ये मेरे टकलू महाराज जी नाराज हुए पड़े हैं, पता नहीं किस चीज़ पर नाराज हुआ हुआ था। और इसने देखो अपने बाल ना खुद ही काट दिए, ये जो चोटी रखी होती है ना खुद ही काट दी इसने। और बस मैं इसको छेड़ रही थी यहाँ पे। टकले नीचे दिमाग खराब हो गया। महाराज और तो कुछ नहीं, जब तू ऐसा मुंह बनाता मन तेरे तो खिंच गए कि तेरे थप्पड़ रहे। Ha ha ha!
पापा ने बदला ले लिया। क्या है वही? नहीं आलू और वो मिक्स कर दिए ना सर। मिक्स तो कर दिए पर हालत तो सुधार लेनी अपनी। हाँ वो तो पता मेरे कितनी सुधरी हुई है ना, मेरे को तो बताने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना, मैं आपको। तो ये है जी दिन का टाइम और मैं नहा धो के जब फ्रेश हो चुकी थी एक्चुअली सारा काम कुम करके, तो बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी थी, तो मैंने कहा चलो इसको चेंज करके जो है ना बिछा देती हूँ। बच्चे हैं कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और खाने से ज़्यादा गिराते भी रहते हैं। और बस यहाँ पिल्लो के कवर लग रहे हैं, ये पिल्लो एक्चुअली पुराने वाले हैं, नए वाले नहीं हैं। तो मैं सोच रही हूँ इनको चेंज करने का ना, तो करने ही पड़ेंगे चेंज, ये बहुत पुराने हैं। और उसके बाद मैं लग पड़ी अपने बालों को ऑयलिंग करने। और एक्चुअली जब बाल धोए थे तो बड़ी देर तक मैंने इसको कॉम नहीं किया था, इसे बोलते हैं ना गीले बालों में कॉम नहीं करनी चाहिए, तो मैंने भी नहीं की थी। लेकिन क्या फ़ायदा, बाल तो उतने ही झड़ रहे हैं। पता नहीं ये मेरे साथ हो रहा है या सबके साथ ही ऐसा होता है कि बरसातों में आपके बाल बहुत ज़्यादा जो है ना गिरते ही गिरते हैं। और मैंने 3 या 4 बार कॉम की थी और 3-4 बार कॉम करते करते इतने सारे बाल गिर गए थे, अगर मैं आप लोगों को दिखाती ना तो आप लोगों ने भी डर जाना था। और शायद हेयर फॉलिंग जो है वो सबकी ही होती है बरसातों में, और सर्दियों में फिर से ग्रोथ ठीक हो जाती है, लेकिन बस ये बरसात का टाइम होता है ऐसा कि बाल जो है वो गिरते ही गिरते हैं। तो यहाँ मैं बालों को सुखा बैठी हूँ और इनको जो है सुलझा रही थी, और सुलझाने के बाद जो है बस इनमें ऑयलिंग करूँगी। और ऐसे ही होता है कुछ ना, पता नहीं बालों का क्या है। और यहाँ जो है पुराने कपड़ों को लग रही है धूप, सब बाहर डाले हुए थे आज, ये बिछाने के लिए होते हैं एक्चुअली ना। और ये देखिए शूज़ का रैक भी मैंने उठा के बाहर रख दिया था, चलो इनको भी धूप लग जाएगी। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, एक नए ब्लॉग में, एक नए वीडियो में और एक नए दिन में। तो आप सोचेंगे कि ब्लॉग किस टाइम का शुरू हो रहा है, ब्लॉग एक्चुअली सुबह का शुरू हो चुका है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था कुछ भी आपसे बात करने का। तो बस अभी बजे हैं दिन के 3 और मैं कर रही हूँ अभी कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि सुबह पानी नहीं था, तो बस अभी पानी जो है वो टैंकी भरी है, तो मैं अभी धो लेती हूँ कपड़े। और पानी पीने आई थी किचन में, और साथ में जो है कपड़े धोने वाला साबुन मेरा ख़त्म हो चुका है, वही लेने आई हुई थी। ये रहा, ये मेरा पानी गर्म हो चुका है, इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा पीना है मुझे पानी, खाना खा के पानी नहीं पिया था। और खाना आज हम लोग उधर ही खा के आए हैं ताया जी के घर पे, जहाँ डेथ हुई है। तो बस पानी पी लेती हूँ मैं और कपड़े धो लेती हूँ, पहले फिर करती हूँ आपसे बात। Thank you.